मिलियन डॉल वाले आने लगे हैं, वो लगाएंगे इसको पानी। बस इनको हम अपना ये मोर का पंख दे के जा रहे हैं। वाला सांप था मैं नीला को लेने जा रही हूँ, आ जाना है एलुमिनियम वालों ने, उन्होंने डोर लगा के जाना है। और आज भी काम है, वो भी बताएंगे कौन कौन से होने हैं आज। सुबह ये मैं कटिंग जी सॉन्ग्स आते ही इसको वॉश किया क्योंकि एलुमिनियम डोर वाले आने लगे हैं, वो लगाएंगे इसको पानी दिया आते, इसलिए पानी दिया कि कल ये न्यूली प्लस्तर हुआ था तो जिस वजह से कहते हैं पानी देने से मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वॉश कर दिया और ये शीटर भी ऊपर कर दिया। अब इधर डोर लगेगा एल्युमिनियम का और इस साइड पे भी डोर लगेगा, वो साइड पे चला गया। इस साइड पे खिड़की लगेगी, इधर मिरर लगेगा, बड़ा बड़ा मिरर लगेगा। सो इधर हो चुका था काम स्टार्ट हमारा सारा मिरर वर्किंग का। और आगे फिर मैं चले गई थी घर नीला के, वहाँ बने थे परांठे और साथ मिले चने और बहुत मज़े के परांठे चने लग रहे थे। और गाइस जी ब्लॉग इसलिए नहीं बन सके कि कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं बीमार हो गई थी और कुछ भी काम बहुत ज़्यादा था, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर सके। अनिला भी इसी वजह से नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा मैस और गन छोड़ के गए थे ये हमारे लिए, अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ। इधर हो चुका था बैंक बंद, हाफ डे था पता नहीं क्या था, तो फिर हम चले गए वापस अपने सेकेंड टाइम जब गए तो तब ओपन हो चुका था। तो ये हमारा ऑटो जाते हुए और आते हुए, आज तो इनकी ईद हो गई गाइस। खैर इनका रिजक लिखा हुआ था इनको मिल गया और जब वापस आए तो इधर तक मिरर लग चुका हुआ था और बहुत अच्छा वर्क ये करके गए। और ये इधर काम कर रहे थे और निमरा और अनिला ऊपर कैबिन साफ़ कर रहे थे। ये कैबिन जन्मों जन्मों के प्यासे थे साफ़ होने के लिए क्योंकि ये कभी उन्होंने साफ़ किए ही नहीं गाइस। और इतना ज़्यादा मैस और गन था ना, आपको मैं बता नहीं सकती कि यार मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोग फर्स्ट टाइम देखे हैं कि कभी ज़िंदगी में मुझे लगता है इन्होंने अपने घर को हाथ ही नहीं लगाया कभी ज़िंदगी में। ये बात मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बंदा अपने घर को साफ़ तो रखता है ना, जहाँ बैठते वो तो साफ़ रखता है। तो भाई जैसे माशाल्लाह से काम कम्प्लीट हो चुका था अल्लाह के करम से। और इधर एक चेयर अभी रखी हुई है, अभी ये सेकेंड चेयर की सीटें बनने को दी हुई है गाइस। बहुत ही प्यारा काम हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को अपना सिर्फ बस बचाए। और आप ये देख सकते हैं इसके सेंटर में वो मिस्त्री ने इतना फासला दे दिया, इसके सेंटर में लकड़ी लगी है। सो फिर मैं चले गई ऊपर छत का व्यू लेने, देखने के क्या क्या नज़र आता है। बहुत मज़े का व्यू था और ये देखने के कारीगर क्या काम करके गए हैं क्या नहीं। और जी सोचा एक और टैंकी रखवा ले, बट रेट काफ़ी एक्सपेंसिव थे इसलिए इस चीज़ को हमने कर दिया स्किप। और फिर घर आके मैंने वेल्डिंग वाले को लगवा दिया काम पे। फिर मैं ऊपर आ गई प्लम्बर का काम चेक करने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करके गए हैं। और आप ये देख सकते हैं नीचे जो शेल्फ इन्होंने बनाई है, इसके नीचे एक ईंट की दीवार होती है वो भी इसने नहीं बनाई है, जो है मिस्त्री ही हमें जो नकम्मा ही मिला था। और ये पानी वर्क बहुत अच्छा करके गए हैं गाइस, बहुत अच्छा काम हो गया है ये भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब काम ओके हो चुके हैं। और आपको मैं आगे सलोन का टूर भी दूँगी थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह से। ये ऐसे अभी तो पार्टी और शुरू हुई है, अभी तो सेटिंगें रहती है, ये उनका यूपीएस चला जाना है, बाल्टी चली जानी है, अभी तो इधर बहुत कुछ होना है। ये देख सकते हैं ये ट्रैप पार्टी इधर लगा दी है, इसका भी दिखाती हूँ सिस्टम, सारा सिस्टम ही हिला हुआ है, सिस्टम ही हिला हुआ है। वाह बेटा सिस्टम, ऐसे वाट अ सिस्टम, ये है हमारा शीशा, शीशा शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। ये मोटर के ढक्कन को करवा रहे थे हम वेल्ड, इसलिए क्योंकि ये हर बार जब खराब होती थी इसकी वेल्डिंग खुलानी पड़ती थी, एक बार इसका मैंने काम नबेड़ दिया गाइस। जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, मिलना हुआ अच्छा हुआ चला गया। सो अब इसका एंडिंग होते हुए तमाम, हीरा सुबह से कह रही थी ये गमला संभाल ले,
इसकी आज मौत लगी। और कमरे की हालत कुछ ऐसी है, ये देखिए। तो अब इस तरफ आ जाइए, ये देखिए, ये कमरे की हालत है, ठीक है। वो हमारा ईगल ना टूट जाए अब। तो ये लग चुके हैं यहाँ पर मिरर, मिरर मैं पूरे नहीं दिखा रही, नीचे से दिखाऊंगी ऐसे। तो हम आ रहे हैं, नहीं आ रही तुम। ये देखें, ये ग्लोब्स हैं और ये हमारी सीलिंग लाइट्स हैं। ये लाइट्स वो ट्रैक पट्टी लगवाई है, वो देखिए। वो चावल है। हीरा के घर से खाना बन गया है, मेरे घर में दाल रोटी बनी है, तो हम अब जाएंगे खाएंगे। तो इस तरह का पीस हम ढूंढेंगे, हीरा को ये बहुत अच्छा लगता था, तो ढूंढ के लाएंगे। लास्ट रूम भी हो चुका है खड़ी, आज खत्म होता है हमारा इस घर से सफर। गाइस बहुत अच्छे दिन भी गुजरे हैं, बट हमारे अच्छे नहीं थे। ये तार इधर बस छोड़े हैं, आज खत्म करते हैं। सो गाइस सब चीजें उठा दी गई हैं, लास्ट बार इस घर को देखने लगे हैं। बस इनको हम अपना ये मोर का पंख दे के जा रहे हैं कि इधर चिपकिया ना आए। खैर बहुत अच्छे दिन इधर गुजरे हैं, काफ़ी हमारी यादें इधर रही हैं। अब ये घर भी इरादा है, पता नहीं इसको बात फोन करेगा। कहते हैं घरों को इंसान हो तो घर बसते हैं, इंसान नहीं तो घर खाली ही रहते हैं, इसमें बसने वाला कोई नहीं होता। लास्ट टूर में आपको करवा रही हूँ इस घर का। बस ये हम क्लीन करके गए थे, ऊपर से कितना गंद आया हुआ है, ये नहीं हट सकती। और ये मिस यू माय मेमोरीज टू मच, इधर बहुत मेमोरीज रह चुकी हैं गाइस। जिंदगी के 3 साल इधर गुजारे, 3 साल नो सफर खत्म हो गया। खैर जैसे लिया था वैसे ही हो गया ये घर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल की ये दुआ है।